वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं शेयर के बारे में जिसका नाम है आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 37.80 रुपये और इसकी डे की क्लोजिंग करीब 20% डे हाई पे इसने अपनी दी है। तो एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने रिटर्न वर्सेस एफडी बिल्कुल बेटर नहीं है और ना ही कोई अट्रैक्टिव डिविडेंड पे करता है। और फाइनेंस की बात करते हैं 2018-19-20-21 तो 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू 71 करोड़ था, जो 2019 में भी इसके आसपास ही रहा 71 करोड़ के, पर 2020 में इनका रिवेन्यू बढ़ा था 72 करोड़, पर 2021 में इनके रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी, करीब 37 करोड़ इनका टोटल रिवेन्यू रह गया था। हम कह सकते हैं 2021 कोरोना इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं नेट इनकम की। जैसा कि 2018 में इनको 26 करोड़ का लॉस, 2019 में भी 27 करोड़ का लॉस, 2020 में 71 करोड़ का लॉस और 2021 में 20 करोड़ का लॉस। 2020 में लॉस इसलिए कम हुआ कि उस साल इनका रिवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। कंपनी लास्ट के 4 सालों में कंपनी लॉस के अंदर है। तो अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अब प्रमोटर के पास एक स्टेबल होल्डिंग है, करीब 40% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास है और म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है करीब 4004% होल्डिंग है। अब DI के पास भी ना के बराबर होल्डिंग है और FI के पास इसकी होल्डिंग 1.95% और रिटेल की होल्डिंग है 57% होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टी के पास है। और इसमें भी बात करते हैं तो रिटेल के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग है। अब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर के ऊपर, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही शेयर नहीं, क्योंकि लास्ट के 4 साल के अंदर कंपनी लगातार लॉस फेस कर रही है। तो किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बजाय कि इस आस में एक दिन इसे प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी की बैलेंस शीट अगर पीछे से मजबूत होगी, प्रॉपर कंपनी हर क्वार्टर प्रॉफिट देगी, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही शेयर परफॉर्म करते हैं। जैसा आप इसमें लेवल की बात करते हैं, अभी के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहता है या किसी ने शेयर बाय कर रखे हैं तो ट्रेडिंग के लिए आप इसमें बाय कर सकते हो, नो इशू। पर हमारा जो SL होएगा इसके अंदर अभी के लिए 35 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग SL है। अगर कोई भी इसमें ट्रेड करना चाहता है वो 35 रुपीज़ के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आने वाले टाइम में शेयर कभी 45 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन हो गए 2 या 3 दिन, उसके बाद इसमें शेयर में अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है। पर अभी के लिए सिर्फ 35 रुपीज़ का SL है, कोई भी ट्रेड करना चाहता है इसी SL के साथ ट्रेड करें।